हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ट्रेवलर स्टोरीज। माय नेम इज श्री एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सिंगापुर आ रहे हैं फर्स्ट टाइम इन अबाउट 6 ईयर्स। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी एक्साइटेड। और मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। सुबह के हो रहे हैं अभी 6:10, 6:20 पे हमारे यहाँ से शटल चलेगी और उनकी फ़्लाइट अराउंड 7:15 पे। तो मैं जाऊँगा उन्हें पिक करने एंड डेफिनेटली मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस एंड वी विल एंजॉय अ लॉट। वी आर गोना मीट एवरीथिंग। आई एम गोना शो दिस थ्रू द वीडियो। तो मैं आ चुका हूँ अपने लॉबी एरिया पे। कुछ इस तरह का है हमारा लॉबी एरिया और अब मैं वेट कर रहा हूँ शटल का। तो यहाँ पे एक फ़ायदा है कि कोंडो जो MRT से थोड़ा सा दूर है, जैसे कि हमारा जो कोंडो है वो MRT से 1 किलोमीटर दूर है, तो ये लोग फ्री शटल प्रोवाइड करते हैं। वो फ्री शटल हर आधे घंटे में आपको मिल जाएगी, आप उसे पिक कर सकते हैं और MRT तक अगर आपको जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं अब उतर चुका हूँ MRT से, और क्योंकि ये एयरपोर्ट पे कनेक्टेड MRT है, तो MRT से उतरते ही मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सारी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन लगी हुई है कि कौन सी फ़्लाइट किस टाइम पे आ रही है, कितने मिनट ले है, और कौन से इवन बैगेज क्लेम कौन सा नंबर पे है। ये सब डिटेल आपको यहीं पर मिल जाएगी। बैगेज क्लेम मीन्स बेल्ट, इफ़ यू कैन सी दैट, दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट। हमें जाना है टर्मिनल 2 पे, तो टर्मिनल 2 के लिए मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल हर जगह आपको निशान मिल जाएंगे, साइन मिल जाएंगे कि किस तरफ जाने के लिए कैसा जाना है। तो ये तो बहुत ही कॉमन होता है, हर एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्टिल वेरी एक्साइटेड टू मीट माई पेरेंट्स। अभी मैं हालाँकि गया था 2-3 महीने पहले इंडिया में, पर उस टाइम पर मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, सो दैट वॉज नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस जब मैं गया था तो। बट अब माई पेरेंट्स आर वेरी वेल और बहुत खुशी खुशी यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग भी बहुत खुश हैं कि उनसे मिलेंगे काफ़ी टाइम बाद, मेरी वाइफ तो काफ़ी टाइम बाद मिलेगी। सो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी। ओके दोस्तों, तो मैं पहुँच चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 7:02 और फ़्लाइट आने में अब 27 मिनट्स रिमेनिंग है। तो बिल्कुल मैं अराइवल पे हूँ और जो उनकी बेल्ट है, बेल्ट 37 नंबर पे उनकी बेल्ट, मतलब जो भी बैगेज आएगा 37 नंबर बेल्ट पे आएगा, तो मैं उसके बिल्कुल सामने हूँ। और जब वो बैगेज कलेक्ट करेंगे आई विल बी देयर टू सी देम, तो मैं उन्हें देख पाऊँगा। सो लेट्स सी, अभी तो 27 मिनट्स हैं, तब तक मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट को विज़िट करता हूँ, देखता हूँ। आपको पता ही है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट बहुत ही पॉपुलर है, इट्स काइंड ऑफ ऑलवेज कंसिडर एज नंबर 1 एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, सो आई विल गो एंड एक्सप्लोर अ लिटिल बिट। तो यहाँ पे अगर आपको घर जाना है तो सारे रास्ते हैं, आप टैक्सी से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं और MRT से जा सकते हैं। अगर आप टैक्सी से जाना चाहेंगे तो 2 तरह की टैक्सी होती है, एक तो जो प्राइवेट टैक्सीज होती हैं जैसे ग्रैब, गोजैक, उसके लिए आपको बेसमेंट पे जाना पड़ेगा, और दूसरी होती है एयरपोर्ट की टैक्सी, वो आपको इसी सेम फ्लोर से ही मिल जाती है। तो हम लोग जाएंगे नॉर्मल एयरपोर्ट टैक्सी से, क्योंकि वो सबसे कन्वीनियंट है हमारे लिए। हालांकि एज़ कम्पेयर टू ग्रैब वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, बट इट्स ओके। और पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए मेरे कम्फर्ट लेवल इज द बेस्ट थिंग दैट आई वांटेड टू गिव देम। नमस्ते नमस्ते पापा जी। सो हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग कैब में बैठ गए हैं और ये रहे मेरी मम्मी और ये रहे मेरे पापा जी। तो कैसा रहा आप लोगों का सफ़र मम्मी पापा? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। अच्छा, मम्मी पापा ने बताया कि फ़्लाइट बहुत खाली थी, तो आप लोग तो लेट के आए हो, राइट? लेट के आया था। और ये अब इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह में व्हील चेयर की वजह से काफ़ी हेल्प हो गई होगी ना? अच्छा मेरे
जैसे देखते हैं, ये तो हमने ड्राइंग एरिया आप लोगों ने देख ही लिया, ये है बालकनी और वो देखो समुंदर हो रहा, जैसे ये समुंदर दिखता है। अच्छा अच्छा वो जहाज चल रही क्या? हाँ वो सब जहाज है उधर। ये झूला है, शाम को कभी झूला वाला झूलने का मन करे तो आराम से बैठ के झूला झूल सकते हो। खराब वाला सीट निकाल लेना। ये पहले ये देख लेते हैं, ये स्टोर रूम है यहाँ, इसे बॉम्ब शेल्टर बोलते हैं। मतलब ये बनाया गया था उस चीज के लिए कि कभी कोई बॉम्ब वॉम पड़ जाए यहाँ पे तो इसमें छुप जाओ तो इस पे कोई असर नहीं आएगा। दीवार है इतनी मोटी मोटी दीवार है, बम बम यहाँ पे मतलब इस पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बस वैसे ही है, पर कोई बम बम कभी आज कोई गिराता थोड़ा सा। अब ये आप लोगों का कमरा, बढ़िया सब सेट कर रखा है। ये सोफा, वही पे बेड है, एसी लगा हुआ है यहाँ पे, कुछ चाय पानी जो भी सामान साथ में रखना है, टेबल वो मशीन लगा देंगे यहाँ पे। ये अलमीरा है, एक तरफ आपके कपड़े लगा देंगे प्रेस कर करके। मशीन कहाँ लगा हुआ वो तो पीछे पीछे सब है वो लगा हुआ। हाँ एक तरफ मम्मी के कपड़े ले जाएंगे सब प्रेस प्रेस होके, सब प्रेस प्रेस भी अलग से है यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे तो इधर से इसे चाहो कभी लगे कि बंद बंद है तो खोल के आपको पूरा इस तरह से दिखेगा। बस होते वक्त बंद ही कर लो क्योंकि हाँ, यहाँ से बालकनी नहीं है, यहाँ से बाहर भी जा सकते। अब ये वॉशरूम है, ये मतलब बैठके करने वाला है, बैठने वाला। ये नहाने वहाने का है, कल बाल्टी बाल्टी भी ले आए हम लोग कि बाल्टी में आराम से बैठ बैठ के नहाओ। खड़े होके नहाते हो, खड़े होके नहाते हो, बच्चे हैं तो अपना फुहारा चलाए। ये है एक और रूम, इस रूम में इसमें हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, मतलब लैपटॉप पे जो घर पे काम करते हैं। ये सोने का भी है, ये हमारी अलमीरा है, सारा अलमीरा पे सबके कपड़े वपड़े लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नेहा का मेकअप का वो है, और ये बाथरूम है, ये भी बाथरूम है, ये भी बाथरूम है। और इधर आओगे, हाँ बालकनी थ्री, कपड़े सुखाते हैं, कोई नहीं कोई नहीं। इधर बालकनी, इधर कपड़े वपड़े सुखा देते हैं इस पर हम, यहाँ से थोड़ा साफ दिखता है, वहाँ से दूर है। आप ये वाली, आप लोग इसी बालकनी में खड़े थे। ऑलराइट, सो मेरे मम्मी पापा अच्छे से पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, अब लंच की तैयारी हो रही है और लंच करेंगे। और ये व्लॉग मैं ख़त्म करना चाहूँगा ये बोल के कि मेरे मम्मी पापा का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सबसे पहले तो दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ही स्मूथ चेक इन हुआ, फिर फ्लाइट में जो भी क्रू मेंबर थे उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की, और इवन वो लोग सो के आए हैं क्योंकि सीट्स खाली थी, तो वो बेसिकली तीन सीट पर आराम से लेट गए हैं दोनों लोग, तो कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आई। और इवन फ्लाइट में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो भी बहुत ही हेल्पफुल और सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे से मम्मी पापा से बात कर रहे थे, एंड दे ऑल बेसिकली दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थम्स अप फॉर दिल्ली एयरपोर्ट, बिग थम्स अप फॉर सिंगापुर एयरपोर्ट, बिग थम्स अप फॉर एयर इंडिया एंड डेफिनेटली ऑल द फेलो ट्रैवलर, जिस जिससे मेरी मम्मी की बात हुई या नहीं भी हुई तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा लगता है जान के कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एंड आई एम रियली टच्ड। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड या वर्ल्ड इज स्टिल अ वेरी गुड प्लेस, सो बाय बाय ऑन अ गुड नॉट।